हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR Tutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, यानी कि जो पहला पार्ट होता है मैथ्स का एलजेब्रा। आज इसका हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 हमने शुरुआत किया था, बहुत समय से हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स काफी दिनों से चल रहा है, तो आज इसका आखिरी लेक्चर आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जिसमें हमारा जो रियल नंबर ये चैप्टर टोटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपके लिए लेकर आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के लिए लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जितने भी लेक्चर्स देखे अभी तक आपको टोटली समझ में आए हैं। एंड आज का जो आखिरी लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत फास्ट होने वाला है, एंड इसके बेस पे एक प्रैक्टिस सेट भी है, प्रैक्टिस सेट 2.5, उसको भी आज ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा जो चैप्टर है इसको टोटली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों को बस यही करना है, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट, जैसे कि आपको कुछ नंबर यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको कोई भी नंबर जो रहेंगे वो आपको ऐसे दिख रहेंगे। ठीक है, आपने इसके पहले ये चीज देखा होगा, तो आपको बता दूं ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम लोग मॉड। ठीक है, ये दो चीज है, आपको दो लाइन, कोई भी नंबर है इसके आगे अगर दो लाइन लिखा रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो ये जो मॉड होता है इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो मॉड एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है तो वो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव ही रखेगा। मतलब इसका अगर वैल्यू निकालूं, मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू निकालू तो ये रहेगा 3। ठीक है, लेकिन अगर यही नंबर माइनस होता, मतलब निगेटिव होता मॉड के अंदर, तो ये बन जाएगा अगेन 3। तो क्या हुआ यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर जो है मॉड के अंदर जो कि निगेटिव है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव है तो उसको हम लोग जब आंसर निकालेंगे, जब उसको बाहर लिखेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव करके लिख देंगे, तो माइनस बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो बस यही चीज आपको याद रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं करा देता हूँ, फिर सीधा हम जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस से 2.5 के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके लिए मैं बताऊंगा, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से ही है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे पूछा है, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो कि दिया हुआ है यहाँ पे मॉड में 9-5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, 9-5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके, तो 9-5 कर लो, तो 9-5 कितना होता है, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 9-5 = 4, ये हो गया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये मॉड में है इसको बाहर निकाल देना है, तो मॉड जो 4 में है तो 4 का 4 बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आता है बाहर, तो इसका आंसर आ गया 4। कितना सिंपल है, 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आ गया, 2 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला एग्जांपल, 9-5 = क्वेश्चन मार्क दिया था, तो आपने निकाल लिया, विदिन 1 स्टेप आपका आंसर आता है विदिन 2 सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं आप लोगों को फटाफट से। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है जो कि है सेकंड एग्जांपल, मॉड में दिया हुआ है 8-13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम आपको क्या करना है, 8-13 क्या होता है आपका, ठीक है, 8-13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8-13 इज -5। ठीक है, 8-13 क्या होता है, -5 होता है, आपने लिख दिया -5 में, अब ये जो मॉड में -5 है ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, -5 becomes 5 इन केस ऑफ मॉड, मॉड में था इसके लिए आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं करा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी हम करा लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, तो लेट्स सपोज आपको एक नंबर दिया है, थर्ड एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो भी एग्जांपल है आपका, ठीक है, एक नंबर है 8, मॉड में 8 मल्टीप्लाई बाय मॉड में 4, ऐसा आपको एक नंबर दिया, इसका वैल्यू आपको निकालने बोला है। आपको पता है मॉड का 8 क्या आएगा, 8 ही आएगा, मल्टीप्लाई बीच में है, मॉड का 4 क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो 8 4 से कितना आएगा, 32, एंड दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस जहां पे दिख रहा है अगर निगेटिव दिखता है मॉड के अंदर तो उसको पॉजिटिव बना लो, एंड जो भी करना है प्लस करना माइनस करना है जो भी दिया रहेगा उसको कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब जंप करते हैं हम लोग सीधा हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज होने के पहले यहाँ पे एक और टाइप के क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कराता हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग अगर पूछता है, उसमें कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं जैसे कि एक्स आ गया, वाई आ गया, तो ऐसे टाइप के अगर दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल आपको मैं करा देता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है जो कि है सॉल्व करके बोला है, और क्वेश्चन आपको दिया है जो कि है x-5 = 2। तो ये केस में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, अलग मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो x-5 = 2 जब हम लोग इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये तो सेम ही रहने वाला है, x-5 मॉड से निकाला तो x-5 हो गया, तो ये इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका कोई भी वेरिएबल जब मॉड में होता है, जब उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू दिया रहता है वो एक बार प्लस लिखना होता है, एक बार माइनस लिखना होता है। कैसे, कि आपका x-5 = 2 मतलब पॉजिटिव आएगा प्लस 2, और एक और हम लोग लिखना है और डाल के, और अलावा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं कि सेम x माइनस
5 जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। तो आपको ऐसा लिखना होता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि आपने ये x माइनस 5 को क्या किया, मोर से बाहर निकाला। तो जब भी मोर से बाहर निकाला तो आपको प्लस तो लेना ही है, लेकिन साथ में माइनस लेना। और ये कब करना है? जब कुछ आपको ऐसे फॉर्म में, कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर दिया रहेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसको बस आपको दो बार सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5, x will be equal to 2 plus 5 is 7। तो ये आपका आ गया आंसर, x is equal to 7। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, x minus 5 is equal to minus 2 है, तो हो जाएगा आपका x is equal to minus 2 plus 5, जो कि आ जाएगा आपका x is equal to 3। ये आपका आ गया आंसर। तो एक बार आपका आंसर आया x equal to 7, एंड दूसरा आपका आंसर आया, यहाँ पे और लिख दो, x इक्वल टू 7 एक आंसर है, x इक्वल टू माइनस 3। तो आपके इसके दो दो आंसर आते हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपके दो दो आंसर आएंगे, एक आपका रहा x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 3, दोनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, इसमें कुछ भी नया नहीं, आपको यही करना है। अब चलते हैं हम लोग सीधा हमारे प्रैक्टिस से 2.5 की तरफ, जिसमें आपका दोनों टाइप के एग्जांपल, वैल्यू निकालने वाला और आपका सॉल्व द फॉलोइंग ऐसे टाइप का। तो उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 2.5, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रैक्टिस सेट 2.5, जो कि हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं साइड में, फाइंड द वैल्यू, आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, इन शॉर्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला है, 15 माइनस 2, इसका वैल्यू निकालो आप, बहुत सिंपल है। क्या करना है, अंदर जो है माइनस दिया है, माइनस कर दो, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 13, मॉड में 15 माइनस 2 मॉड में क्या हो गया, 13 हो गया। मॉड क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है अंदर, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 13, खत्म हो गया। कितना सिंपल है, विद इन 2 सेकंड आपका आंसर आ गया, 15 माइनस 2 इज 13, मॉड में लिख दिया, मॉड के बाहर आ गया तो 13 बन गया, खत्म। इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक और एग्जांपल है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, 4 माइनस 9, आपको इसका वैल्यू निकालना है, 4 माइनस 9 मॉड में है, इसका आपको आंसर निकालना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा मॉड के अंदर, दैट इज 4 माइनस 9 इज आई गेस 5, माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 हो गया, माइनस 5 आ गया, 4 में से 9 गया तो माइनस 5 बचा, करेक्ट, आपको माइनस करने आता ही होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 9 किया तो माइनस 5 आएगा, अब माइनस 5 जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 5 बन जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, 4 माइनस 9 का हम लोग का मॉड में माइनस 5 आया, उसका हम लोग ने मॉड से बाहर निकाला तो बन गया 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड यहाँ पे होता है हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे होता है खत्म। एक और एग्जांपल तीसरा, जो कि आप लोग होमवर्क है, जो कि मल्टीप्लिकेशन का, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कर लेना वो होमवर्क के तौर पर। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग में आप देखोगे, जो कि दिया हुआ है 3x मॉड में है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम जैसे मैंने बताया था कि ये 3x माइनस 5 जब बाहर आएगा, 3x माइनस 5 जब बाहर आएगा तो एक बार इक्वल के साइड पॉजिटिव में जाएगा और उसके अलावा और करके जो भी नंबर है उसका नेगेटिव में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव और माइनस 1, करेक्ट है। एक बार आपने प्लस 1 लिखा इसको और एक बार आपने माइनस 1 लिखा, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया। अब आपको सेम यही करना है, सॉल्व करना है दोनों को अलग अलग। तो सॉल्व कर लो, ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, एक मैं लाइन खींच देता हूं यहाँ पे अलग करने के लिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो देयरफॉर आपका 3x इक्वल टू 6 हो गया और x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, देयरफॉर आपका जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, x इक्वल टू 2 आगे आपका x इक्वल टू 2 वैल्यू, एंड दूसरा आपका यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 एंड x विल बी इक्वल टू 4/3, करेक्ट है, आगे आपका आंसर। तो एक आपका वैल्यू आया x इक्वल टू 2 एंड एक आपका वैल्यू आया x इज इक्वल टू 4/3 या फिर 4/3, तो ये आपका आंसर है। तो कितना इजी था इसको सॉल्व करना, काफी सिंपल है, ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे, ठीक है। दोस्तों अगर समझ रहे तो लाइक करते जाओ वीडियो को यहाँ पे, और एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं करा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, इसके जैसे एक दिखने वाला एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, एंड फिर आप बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अभी चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 मैंने करा दिया, सेकंड का एग्जांपल नंबर 1 करा दिया, सेकंड आप लोग के लिए होमवर्क है, अब थर्ड आपके लिए करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है इसमें। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं सॉल्व करने के, क्या दिया, ऐसा दिया क्वेश्चन, 8 माइनस x अपॉन
टू इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे सेम करना है कि ये जो नीचे 2 दिख रहा है वो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले इसको सेपरेट कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस एक्स मॉड में इज इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि 2 मेरा इधर चला गया। ठीक है, 2 एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 2 मल्टीप्लाई पर 5 ऐसा लिख के भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया। ठीक है, अब सेम ऐसे ही बन गया जैसे हम लोग ने करते थे। अब आपको यही करना है, इसको मॉड से बाहर निकालो, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार प्लस 10 कर लो। ठीक है, एंड दूसरा हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो अलग अलग, तो 8 सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 माइनस 8, तो देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 2। यह आ गया आंसर आपका एक्स का, एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब इसका भी सेम वैसे कर लेते हैं, 8 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स जो है इसको लिखते हैं यहाँ पे और ये 8 को उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 और ये माइनस 8 हो गया, तो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 18, एक्स विल बी इक्वल टू 18। खत्म, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, सबसे पहले आपने क्या किया, ऐसे फॉर्म में कुछ भी आया तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको इक्वल के वो साइड भेज दोगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ऐसा इक्वेशन बन गया। ऐसा इक्वेशन बन गया, सीधा आपको क्या करना है, जो मॉड होता है उससे बाहर निकालते हैं, तो एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लो अलग से, तो इसका आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 2, इसका आ गया एक्स इक्वल टू 18। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो एंड जो भी हमारा चैप्टर यहाँ पे टोटली होता है कंप्लीट, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे टोटली कंप्लीट होता है। और एक चीज, आपका जो एग्जांपल नंबर 4 इसमें बचा हुआ है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क जरूर से कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि आपको कैसा लग रहा है ये चैप्टर, एक वीडियो एंड जो भी हम लोग एफर्ट्स लगा के आपके लिए जितने भी लेक्चर्स के वीडियो लेकर आते हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो वो प्लीज हमें कमेंट करके एंड लाइक करके बताइएगा। ठीक है, तो एक लाइक करते हो आप, कमेंट करते हो, तो एक तरीके से मोटिवेशन हमें मिलता है, तो आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहो आप लोग के लिए। ऐसे ही हम लोग लॉकडाउन होने के बाद भी ऐसे ही आपके लिए वीडियोस कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।